गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राजकुमार जाट, आरवे शर्मा। गुड मॉर्निंग। मैम, 4 मिनट लेट हो गए। क्या 4 मिनट लेट हो गए? 4 मिनट लेट हो गई बेटा। लाइट अभी आई है इसलिए चालू करने में टाइम लग गया। चलो बच्चों। हाँ निखिल, गुड मॉर्निंग। चलो अब अपन अगली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में आपने 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण पढ़ा था। आज आपका टॉपिक है तत्वों के प्रकार। तत्वों के प्रकार और तत्वों के प्रकार में आप पढ़ने जा रहे हो एस पी डी एफ ग्लूक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व, ये आपके तत्वों के प्रकार हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन एस ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। नोट करते हुए चलोगे क्या? अरे नोट करते हुए चलोगे क्या? चलो ठीक है, नोट करते हुए चलोगे। चलो ठीक है, कर लेना नोट। नोट करते हुए भी चलना, पॉइंट भी ऐसा ही है। एस ब्लॉक के तत्व है, कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो पहले समझो और उसके बाद में एक एक पॉइंट याद भी हो जाएगा और नोट भी करते हुए चलना। तत्वों के प्रकार एस पी डी एफ ब्लॉक के तत्व है। नहीं तुम रहने दो, मैं भेज दूंगी नोट्स, तुम तो समझते हुए ही चलो। ठीक है बच्चों, मैं नोट्स भेज दूंगी। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व देखो बच्चों, आपने मेंडेलिफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी दोनों पढ़ी है। एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? इसमें पहला पॉइंट है वे तत्व जिसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस उपकोष में प्रवेश करेगा तो उसे क्या बोलोगे? एस ब्लॉक के तत्व बोलोगे। एक मिनट का वेट करो, मैं साइड आलू पेन में। अब देखो एस ब्लॉक तत्व को आवर्त सारणी में प्रथम दो खड़े खानों में रखा जाता है। ये तो वर्ग है और ये आपके पास क्या है? आवर्त है। वर्ग फर्स्ट और सेकंड था जो आपने आवर्त सारणी में ढंग से पढ़ा है। दोनों सारणियों में ही वर्ग और आवर्त, ये तो वर्ग है। आवर्त देखो, वर्ग फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अभी मैं बताऊंगी कि हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिया। आवर्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। फर्स्ट आवर्त में तो कौन से तत्व स्थित थे? हाइड्रोजन और हीलियम थे जो आपके पास सारणी बनी हुई है। सेकंड वर्ग में आपके पास तत्व है बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंगियम, बेरियम और रेडियम। इसका परमाणु क्रमांक 3 था, इसका 11 था, इसका 19 था, इसका 37 था, इसका 55 था और इसका कितना था 87। इसका 4, 12, 20, 38 और सॉरी सीजियम का 55, बेरियम का 56, 87 और रेडियम का कितना था 88। ये आपके पास परमाणु क्रमांक थे एस ब्लॉक, जो आधुनिक आवर्त सारणी में आपने पढ़ा था। तो एस ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी के फर्त में दो खड़े खानों में रखा जाता है। आपने सारणी में देखा है शुरू में एस ब्लॉक था, फिर डी ब्लॉक था, फिर अंतिम में एफ वो पी ब्लॉक था और नीचे ही नीचे एफ ब्लॉक था। तो आवर्त सारणी में फर्त में दो खड़े खानों में किसके तत्व है? एस ब्लॉक के तत्व। वर्ग फर्स्ट और सेकंड के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। वर्ग फर्स्ट और सेकंड के तत्वों को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक के तत्व। अब देखो बच्चों, एस ब्लॉक तत्वों की संख्या 12 होती है हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर। हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर एस ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। हाँ दिव्या, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए क्लियर नहीं आ रही होगी वॉइस। अब देखो, हाइड्रोजन और हीलियम को कैसे शामिल नहीं किया? क्योंकि हाइड्रोजन की स्थिति क्या थी? अनिश्चित। उसके बारे में पता ही नहीं था कि इसको फर्स्ट में रखा जाए या फिर सेवंथ में रखा जाए। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है इसलिए इनको नहीं रखा गया। तो हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर एस ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। गिन के देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है बच्चों, पांचवा पॉइंट है एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1-2 होता है। इस NS1-2 का मतलब है S में एक इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है और दो भी रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो NS1-2 होता है। निखिल आवाज कैसे नहीं पहुंच रही है? क्लियर अब आ रही है सभी बच्चों के पास? फटाफट बताओ फटाफट, नहीं टॉपिक नहीं हो पाएगा। कट कट के आ रही है? हाँ हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आ रही है। ऐसे थोड़ी हो रहा है कि भाई बिल्कुल नहीं आ रही। दिव्या मीना अब आ रही है सही आवाज? फटाफट बता बेटा। हाँ चलो ठीक है, अब आ रही है ना। चलो ठीक है, अब देखो NS1-2 S में एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं। जैसे लिथियम में 3 परमाणु क्रमांक है तो 1s2 2s1 एक इलेक्ट्रॉन आया। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है तो 1s2 2s2। समझ गए ना? तो s में एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1-2। इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि 1-2, नहीं 1-2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार छठा पॉइंट है एस ब्लॉक में जो तत्व होते हैं या धातुएं होती है वह क्रियाशील होती है। क्या होती है? क्रियाशील होती है। इसमें वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये क्या होती है? क्षारीय धातु।
धातु होती है। फ्रेंसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो क्षारीय धातु की गिनती में कौन कौन सी आती है? लीला, ना, कर, रब, से, जो आपने लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र में भी पढ़ा है। वर्ग सेकंड के तत्वों को क्षारीय मर्दा धातु कहते हैं। क्षारीय मर्दा धातु कौन कौन सी है? बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। रेडियम तो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब होता है जिसका आयुकाल कम होता है उसे रेडियो एक्टिव तत्व माना जाता है। तो बच्चों आपको पूछ लिया जाए क्षारीय धातु कौन कौन सी है तो आप बताओगे वर्ग फर्स्ट के तत्व है, और वर्ग फर्स्ट के तत्व में भी किसको छोड़कर? फ्रेंसियम को छोड़कर, क्योंकि यह तो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्षारीय मर्दा धातु कौन सी है? वर्ग सेकंड, वर्ग सेकंड में भी किसको छोड़कर? रेडियम को, क्योंकि वो तो क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व। आठवां पॉइंट है एस ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी। इसी लेसन में आप अगले टॉपिक में आयनन एंथैल्पी की परिभाषा पढ़ोगे कि कोई भी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु है, उनकी भायतम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनों को उठाया जाता है या इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाता है उसे आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। तो एस ब्लॉक के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी होती है वह बहुत कम होती है, क्योंकि यह तत्व बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को सरलता पूर्वक त्याग देते हैं। वर्ग फर्स्ट के तत्व के बाह्यतम कोश में देखो, जैसे लिथियम है 1s2 2s1, बाह्यतम कोश कौन सा है? 2s, तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा? एक का। और वर्ग फर्स्ट के तत्व एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था बनाएंगे? +1। इसी प्रकार जैसे वर्ग सेकंड में बेरिलियम है, परमाणु क्रमांक 4, 1s2 2s2, बाह्यतम कोश कौन सा हुआ? 2s। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि बाह्यतम कोश किसे कहा जाता है, 1s अकेला रहता है, 2s के साथ में 2p होते हैं, 3s 3p 3d होते हैं, 4s 4p 4d 4f होते हैं। 1s का एक जोड़ा रहता है, 2s और 2p होते हैं। तो इसमें देखो 1s में तो दो पूरे हैं, 2s में एक ही है, तो बाह्यतम कोश कौन सा हो गया? 2s। 1s के दो कंप्लीट है, 2s में दो है, और 2p में क्या है? 0। तो बाह्यतम कोश कौन सा हो गया? 2s और 2p हो गए। 2p में तो 0 है लेकिन 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो वर्ग सेकंड के तत्व कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे? 2 का। और 2 का त्याग करके कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था बनाएंगे? +2 ऑक्सीकरण अवस्था बनाते हैं। बाह्यतम कोश से त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहा जाता है, और संयोजकता ही ऑक्सीकरण अंक होता है। ठीक है बच्चों, तो एस ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि यह अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को सरलता पूर्वक त्याग कर वर्ग फर्स्ट के तत्व प्लस ऑक्सीकरण अवस्था और वर्ग सेकंड के तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है एस ब्लॉक के तत्व शुद्ध व मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होते हैं। अतः यह न तो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं और न ही मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अवस्था दो होती है, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। तो एस ब्लॉक के तत्व शुद्ध व मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला पॉइंट है एस ब्लॉक के तत्वों का आकार आवर्त सारणी में सबसे बड़ा होता है। एस ब्लॉक के तत्वों का जो आकार है वह आवर्त में सबसे बड़ा होता है।
ठीक है बच्चों, तो ये 10 पॉइंट है एस ब्लॉक के तत्व। रिपीट कर रही हूँ, किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट में क्लियर हो नोट कर लो, मैं रिपीट करने के बाद में पूछूंगी कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम है, नोट्स में तुम्हें भेज दूंगी, तुम्हारा काम है समझना। पहला पॉइंट है वे तत्व है जिसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे अब बताओ लिथियम का 3 तो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में आया कि नहीं आया, 4 आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में आया कि नहीं आया, इसी प्रकार किसी का भी करके देख लो। जैसे सोडियम है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार पोटेशियम है जैसे 19 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 10 और 2 12 18 1 19, आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें आया, एस उपकोष में। क्लियर ये पॉइंट? तो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में फर्तम 2 खड़े खानों में रखा जाता है। देखो 2 खड़े खाने हैं, ठीक है। वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों की संख्या 12 होती है हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 से 2 होता है। एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वह अधिक क्रियाशील होते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी होती है वह बहुत कम होती है, क्योंकि यह तत्व बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को सरलता पूर्वक त्याग कर वर्ग फर्स्ट के तत्व प्लस 1 ऑक्सीकरण अवस्था और वर्ग सेकंड के तत्व प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं और वर्ग सेकंड के तत्वों को क्षारीय मर्दा धातु कहा जाता है। एस ब्लॉक के तत्व शुद्ध व मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों का आकार अपने आवर्त में आवर्त सारणी में सबसे बड़ा होता है। ये है बच्चों एस ब्लॉक के तत्व। सभी बच्चों को एस ब्लॉक के तत्व क्लियर? और बच्चे भी बोलो जवाब। इसका मतलब सभी बच्चों को क्लियर है ना? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? 40 बच्चों में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई? फिर मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाने जा रही हूँ, नो प्रॉब्लम। चलो आर्य शर्मा, अरविंद कुमावत, अभिषेक चौधरी, सभी को धन्यवाद। सभी को क्लियर हो रहा है और क्लियर ही होना चाहिए। तुम खुश तो मैं भी खुश। चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। सारी चीज आपको मैंने स्टार्टिंग में बता रखी है ताकि प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैंने आवर्त सारणी बहुत ही अच्छी तरीके से बनवा रखी है आपको। अब अपन दूसरा तत्व का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व देखो बच्चों, सबसे पहले अपन पी ब्लॉक के तत्व की सारणी बनाएंगे और उसके बाद में अपन एस ब्लॉक की तरह ही पी ब्लॉक के तत्व का वर्णन करेंगे। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तो वर्ग है और ये आवर्त है। वर्ग 13 और
वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18। ठीक है बच्चों, आवर्त सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स और सेवन। फर्स्ट आवर्त मैंने नहीं लिखा है क्योंकि फर्स्ट आवर्त में हीलियम है जिसका विन्यास पी ब्लॉक के तत्व की तरह नहीं होता है, इसलिए हीलियम को पी ब्लॉक में शामिल नहीं किया गया है। वर्ग 13 में आपके पास तत्व थे बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला। यहाँ पे अभी खोज चल रही है 113। बच्चों कल मैंने आपको नामकरण भी पढ़ाया था, तो तुम 113 की जगह यू यू टी भी कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते, यस या नो, फटाफट बोलो। एक एक तीन, अन्य अन्य ट्राइयम, कर सकते हो ना? कोई प्रॉब्लम आई किसी बच्चे को यू यू टी लिखते समय? अरे 113 की जगह जैसे मैंने यू यू टी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर दोबारा रिपीट भी हो जाएगा और अपनी सारणी भी पूरी होती चलेगी। वर्ग 14 में थे आपके पास कांसी, गए, संत, प्रभु। चलो यहाँ पे 114 थे उसका कर दो यू यू क्यू। इसका मतलब तुम समझ जाओगे अभी इन तत्वों की खोज चल रही है और परमाणु क्रमांक 114 है। इसी प्रकार कार्बन के बाद में नाना, पापा, आशा, सब, भाई। 115 को यू यू, 15 को पेंटा कहा गया था तो यू यू पी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 16 में आओगे ओ सीला, सील, तेरी, पॉकेट। 116 को यू यू एच। इसी प्रकार 17 में आओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। 117 का लिखो यू यू एस। इसी प्रकार हीलियम के बाद में नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। 118 यू यू ओ। तुम परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हो, परमाणु क्रमांकों का प्रतीक भी यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो वे तत्व जिसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन, यहीं पे बता देती हूँ, आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में, या एनपी भी बोल सकते हो, एनपी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, लिख लो परमाणु क्रमांक भी 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। ईडियम का 49, 50, 51, 52, 53, 54। टेलुरियम का 81, 82, 83, 84, 85, 86। इसका ये सातवां आवर्त अभी अपूर्ण आवर्त है, 113, 14, 15, 16, 17 और 118। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, तो देखो बच्चों 5 है, 1s2, 2s2, 2p1। आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया है? पी उपकोष में। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है,
पी ब्लॉक के तत्व को आवर्त सारणी में अंतिम छह खड़े खानों में रखा जाता है। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के खड़े खाने। बोलो पी ब्लॉक आवर्त सारणी में लास्ट ही लास्ट में था कि नहीं था, इसलिए मैंने आपको कह दिया पी ब्लॉक तत्व को आवर्त सारणी में अंतिम छह खड़े खानों में रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं वह पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अगला पॉइंट है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से 6 होता है। देखो बच्चों इसका मतलब है जैसे बोरोन लिया 1s2 2s2 2p1 s2 कंप्लीट है, p में 1 से 6 तक हो सकते हैं। जैसे आप कार्बन लोगे कार्बन का 6 है 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 2p3 हो जाएगा, फिर 2p4, फ्लोरीन का 2p5, नियोन का 2p6। बोलो 1 से 6 हुए कि नहीं हुए? इसीलिए आपने पी ब्लॉक में हीलियम को नहीं रखा क्योंकि वह इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पालना ही नहीं करता है, उत्कृष्ट गैस है, पी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन उसको इस सारणी में नहीं रखने का मतलब है कि इनका विन्यास तो NS2 NP1 से 6 होता है, लेकिन हीलियम का परमाणु क्रमांक तो कितना होता है? 2, 1s2, तो पालना नहीं कर रहा, इसलिए पी ब्लॉक में उसको नहीं रखा गया है। ठीक है बच्चों, अब क्लियर सभी बच्चों को? पांचवा पॉइंट है S व P ब्लॉक के तत्व को सम्मिलित रूप से निरूपक तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। S और P ब्लॉक के तत्व को सम्मिलित रूप से निरूपक या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। अगला पॉइंट है, देखो मैं यहाँ सारणी में ही बता रही हूँ, वर्ग 13 के तत्व को बोरोन परिवार कहते हैं। कौन सा परिवार? बोरोन। वर्ग 14 के तत्व को कार्बन परिवार कहते हैं। वर्ग 15 के तत्व को नाइट्रोजन परिवार या निकोजन कहते हैं। वर्ग 16 के तत्व को ऑक्सीजन परिवार या चेलकोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को हेलोजन कहा जाता है और वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो वर्ग 13 के तत्व को बोरोन परिवार क्योंकि पहला सदस्य बोरोन है। वर्ग 14 के तत्व को कार्बन परिवार क्योंकि पहला सदस्य कार्बन है। 15 को नाइट्रोजन या निकोजन, 16 को ऑक्सीजन या चेलकोजन, 17 को हेलोजन और 18 को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। क्लियर सभी बच्चों को? अगला पॉइंट है सातवां, छठवां पॉइंट आपका ये हो गया, उत्कृष्ट गैस बहुत कम क्रियाशील होती है क्योंकि इनका जो उपकोष है वह पूर्ण रूप से भर जाता है। पूर्ण रूप से भरने का मतलब है जैसे नियोन का 10 है तो बोलो 1s2 2s2 2p6, s भी पूरा भरा हुआ और p भी पूरा भरा हुआ, इसलिए उत्कृष्ट गैसों की जो रासायनिक क्रियाशीलता है वह क्या होती है? कम होती है। आठवां पॉइंट है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुण बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आओगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा और आवर्त में जब बाएं से दाएं जाओगे तो कौन सा गुण बढ़ेगा? अधात्विक गुण बढ़ता है। पी ब्लॉक के तत्वों का आकार आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्वों से
कम में होता है। ये है आपके पास पी ब्लॉक के 9 या 10 पॉइंट। ओके बच्चों, तो पी ब्लॉक की सारणी आपके पास है। वे तत्व जिसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एनपी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व को आवर्त सारणी में अंतिम 6 खड़े खानों में रखा जाता है। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के खड़े खाने। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 से 6 होता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है S व P ब्लॉक के तत्व को सम्मिलित रूप से निरूपक या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। सातवां पॉइंट है वर्ग 13 के तत्व को बोरोन परिवार, वर्ग 14 को कार्बन परिवार, वर्ग 15 को नाइट्रोजन परिवार या निकोजन, वर्ग 16 को ऑक्सीजन परिवार या चेलकोजन, वर्ग 17 को हेलोजन, वर्ग 18 को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। आठवां पॉइंट है उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक क्रियाशीलता बहुत कम होती है क्योंकि इनका उपकोष पूर्ण भरा हुआ होता है। नवा पॉइंट है वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुण बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। दसवा पॉइंट है पी ब्लॉक के तत्वों का आकार एस ब्लॉक से छोटा होता है। क्लियर सभी बच्चों को पी ब्लॉक एलिमेंट? सभी बच्चों को क्लियर? क्या क्या बोल रहे हो? ये है बच्चा कौन सा लिखा था SNTI है क्योंकि वो सातवां आवर्त तो अभी अपूर्ण है। पी ब्लॉक के तत्वों की संख्या 30 होती है, सातवां आवर्त तो अपूर्ण चल रहा है, हीलियम को अपन ने शामिल नहीं किया और बाकी तत्वों को गिन के देख लो पी ब्लॉक के तत्वों की संख्या 30 होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर सभी बच्चों को? तो आज आपके पास नोट्स पहुंचेंगे तत्वों के प्रकार और तत्वों के प्रकार में एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व। आज के पढ़ाए हुए टॉपिक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आज के पढ़ाए हुए टॉपिक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम पी ब्लॉक से छोटा? हाँ हाँ पूछो पूछो, तुरंत मैसेज मत उठाया करो। कैसे होता है एस ब्लॉक का आकार? बेटा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। तो देख तू आवर्त में बाएं से दाएं जाएगा या जाएगी, जो भी पूछ रहा है, सबसे बड़ा 13वे का एस का होगा क्योंकि शुरू शुरू में है, फिर डी आता है, फिर पी आता है, तो एस से छोटा कौन होगा? पी। घट रहा है तो घटते घटते चलेंगे ना। ओके, जो भी पूछा है वो क्लियर है उसके? क्योंकि आवर्त में जब अपन जाते हैं तो आकार घटता है कविता। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ, ये तुम टेंशन मत करो, ये सारी चीजें अभी आएगी। हीलियम कौन से ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में ही आता है सोनम यादव हीलियम, लेकिन यहाँ पे अपन ने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि यह पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पालना नहीं कर रहा है। आता तो हीलियम उत्कृष्ट गैस 18वें वर्ग में ही है, लेकिन यहाँ पे अपन ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 से 6 की पालना नहीं कर रहा है। क्लियर सोनम यादव? सोनम यादव क्लियर? चलो और किसी बच्चे को कुछ पूछना? तो बच्चों आज आपके पास नोट्स पहुंचेंगे एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इसी के साथ अपन हीलियम को एस, हाँ हाँ लिखो लिखो फटाफट लिखो हीलियम को, दोबारा दिखाओ चेट।
हीलियम को एस ब्लॉक में इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो तो उत्कृष्ट गैस है शिवानी, एस ब्लॉक में तो केवल क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु आती है। क्लियर शिवानी? शिवानी क्लियर? फटाफट बोल शिवानी। हाँ चलो ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास एंडिंग हो रही है। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। अगली क्लास में मिलेंगे, सभी बच्चों को, भाई और बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन।